वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन हु आर प्रेजेंट हियर. और हमारे आज पहले एपिसोड एक्सिस डायरेक्ट और जी बिजनेस के राइजिंग इन्वेस्टर में आप सभी का स्वागत है. एक छोटे बच्चे को जैसा हम हाथ पकड़कर बड़ा करते हैं, वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स को आगे लेके जाने के लिए एक गाइडेंस का ज़रूरत है, एक ऐसे सहयोगी का ज़रूरत है जो इन्वेस्टमेंट्स को एक सही दिशा दें आपकी. एक्सिस डायरेक्ट के आज की तारीख में 10 लाख कस्टमर्स हैं और ये काफ़ी सालों से ये प्रोजेक्ट करते आ रहे हैं और इन्वेस्टर्स को गाइड करते आ रहे हैं. और इसी एक्सिस डायरेक्ट के बारे में जानने के लिए लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू MD एंड CEO ऑफ एक्सिस सिक्योरिटीज, श्री अरुण टुकराल साहब. अरुण सर, वेलकम टू द शो. एक्सिस डायरेक्ट का रिसर्च डिपार्टमेंट और आप कितना थ्राइव करते हैं टू अचीव दिस लैंडमार्क, इफ यू कैन जस्ट इलैबोरेट ऑन दैट. एक्सिस डायरेक्ट का सफर जो है 5 साल पहले शुरू हुआ था. ओके. और इन 5 सालों में हमें बहुत खुशी है कि हमें 10 लाख से ज़्यादा निवेशकों का भरोसा हासिल हो गया. हम फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल इक्विटी ब्रोकिंग हाउस हो गए आज. तो लास्ट 3 साल से हमको एक प्राइज, ये अवार्ड मिलता है हर साल कि आप फास्टेस्ट ग्रोइंग है और बेस्ट ग्रोइंग है. और ये अवार्ड BSE और डन एंड ब्रैडस्ट्रीट जैसी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है. तो हमारे क्या वैल्यूज़ हैं, हमारे क्या सिद्धांत हैं? तो सबसे पहली चीज़ जो हमने पकड़ी वो ये है कि हमको सिंपल रहना है, हमको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहना है. बिल्कुल. तो सिंप्लिसिटी क्या है? सिंप्लिसिटी आपकी कन्वीनियंस हो सकती है कि आप जब चाहें जहाँ चाहें ट्रेड कर सकें. आप मोबाइल से ट्रेड कर सकें, आप डेस्कटॉप से ट्रेड सकें, आप आईपैड से ट्रेड कर सकें. सिंप्लिसिटी का ये भी मतलब है कि आप के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं. आप सिर्फ इक्विटी का ही बात नहीं करें, आपको अगर NCD लेना है, आपको डेरिवेटिव करना है, आपको म्यूचुअल फंड लेना है, आपको कॉर्पोरेट FD लेना है, आपको टैक्स फ्री बॉन्ड लेना है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं. तो आप जिस तरह के कस्टमर हैं या निवेशक हैं उसके हिसाब से हम आपको प्राइसिंग भी दे देंगे. बिल्कुल. तो ये भी सिंप्लिसिटी हो गई. बिल्कुल. दूसरी चीज़ हमने जो कि टेक्नोलॉजी में बहुत इन्वेस्ट किया. अब हम प्राइमरीली ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रखते हैं तो टेक्नोलॉजी कटिंग एज होना ही चाहिए. जैसे हमारा मोबाइल ऐप है, अगर मैं उसकी बात करूँ, हमारा मोबाइल ऐप इस वक्त मार्केट लीडर है. वो मार्केट लीडर कैसे होता है कि आपका कितना परसेंट बिजनेस जो है वो मोबाइल से रूट होता है. तो हम इसमें हाईएस्ट हैं. हमारा 20% तक का बिजनेस सिर्फ मोबाइल से आता है. लोगों ने पैसा कैसे बनाया? अच्छे आइडियाज से. बिल्कुल. अच्छे रिसर्च से. तो ये चीज़ हमने समझ ली कि अगर हम अच्छे आइडिया देंगे लोगों को तो हमारे साथ ही इन्वेस्टर रहने वाला है. तो हमारे तो 70% से ज़्यादा आइडियाज पिछले 1 साल में टारगेट को हिट कर रहे हैं. और जो और एक चीज़ हमने करी, टेक्नोलॉजी को हम रिसर्च में भी लेके आए. जैसे टेक्नोलॉजी हमारी कोर थीम है, तो हम जैसे कोई आपको ईमेल भी अगर भेजते हैं तो अगर आप वो ईमेल खोलेंगे दिन में 12 बजे तो जो 12 बजे का बाजार है और उसमें अगर हमने 2 स्टॉक आइडियाज़ दिए हैं उस वक्त उसका क्या प्राइस है वो आपको ईमेल में दिखेगा. ये अभी और किसी के पास नहीं है. ये DMA एक डायरेक्ट मार्केट एसोसिएट्स होते हैं, उनका हमें प्राइस मिला है. एशिया में मिला है और इंडिया में भी मिला है. फैंटास्टिक. तो आपने देखा हमें फास्टेस्ट ग्रोइंग का अवार्ड मिला, आपने देखा हमें रिसर्च के ऊपर अवार्ड मिल रहा है, आपने देखा हमें मार्केटिंग इनोवेशन पे अवार्ड मिल रहा है. तो ऑल इन ऑल, और ये सब हो रहा है किसकी वजह से? आप लोगों की वजह से. अगर आपका भरोसा नहीं है, क्योंकि आप काफ़ी कस्टमर हमारे यहाँ भी होंगे, तो अभी तक का जर्नी बहुत अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा. कितना सिंपल तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे इंडिया एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द रिटेल इन्वेस्टर्स, इफ यू कैन जस्ट इलैबोरेट ऑन दैट. इंडिया एज एन इन्वेस्टमेंट कंट्री, मुझे लगता है अभी तो किसी को डाउट होना नहीं चाहिए. जो नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं या इवन जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, वो लोग इंडिया को ऐसे देखते हैं जैसे इंडिया से अच्छा जगह कोई नहीं है. लेकिन ये धीरे 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 इंडिया में भी आना चाहिए. इंडिया में अभी 2 से 3% लोग इन्वेस्ट करते हैं, चाइना में 18-20% करते हैं, US में 40-45% करते हैं. तो एक बात सोचने की ये है कि जब पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है, बिल्कुल, तो हमको देखना चाहिए. श्योर. तो उसी थीम को हम आगे ले रहे हैं और अभी धीरे धीरे वो चीज़ आ रही है. लोग एजुकेशन से, लोग अभी जान रहे हैं. धीरे धीरे इंडियन इन्वेस्टर जो है वो इंडियन स्टोरी में पार्टिसिपेट कर रहा है, ऐसा उम्मीद है, और करेगा. और हम उसकी ये यात्रा एकदम सिंपल बनाएंगे, जैसे मैंने बताया किस तरीके से हम बनाएंगे. यहाँ से लेकर आपने ये माध्यम
राइजिंग इन्वेस्टर के थ्रू क्यों चुना और इसके पीछे का व्हाट इज़ द प्राइम ऑब्जेक्टिव टू कनेक्ट विद द इन्वेस्टर्स? हम छोटे छोटे सेमिनार इस तरह से करना शुरू किए थे, हमने कभी CDSL से बात किया, कभी NSDL से बात किया, कभी कभी हम वेबिनार करते हैं अपने रिसर्च के थ्रू, अपने कस्टमर से कनेक्ट करते हैं। जी जैसा मशहूर चैनल भी इसी दिशा में कुछ बात कर रहा है और हमने आगे डिस्कशन किया जी, बिल्कुल, और वहाँ हम अलाइन हो गए क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेम था, इन्वेस्टर अवेयरनेस, इन्वेस्टर एजुकेशन। लेट मी इन्वाइट ऑन स्टेज अ राइजिंग इन्वेस्टर एक्सिस डायरेक्ट के साथ में जो एसोसिएटेड है, लेट मी इंट्रोड्यूस कनुभाई सालवी साहब, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। कनुभाई सालवी सर, वेलकम टू द शो। आपका एसोसिएशन और आपकी इन्वेस्टमेंट थियरीज आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे और आपको ये सफ़र में किसने गाइड किया था? एक्सिस का कोई कॉल आता है, उसमें सब छिनबन करते हैं कि NPA कैसे, ROE कैसे, इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म में भी करते हैं। जी, जैसे आपने बताया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने चूज़ किया और इसके पीछे का आपका रैशनल क्या था, और सेकेंडली आपने कौन कौन से स्टॉक्स, इफ़ यू कैन जस्ट हाईलाइट, जो आपकी एक सक्सेस स्टोरी का पार्ट बने थे? LIC हाउसिंग लिया है। ओके। ये एक्सिस के रिकमेंडेशन से 505 में लिया और 540 तक चला गया था, उसी वक्त हमने इन्वेस्ट किया तो उसमें काफ़ी मुनाफा मिला। आप इन्वेस्टर्स के लिए कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ टिप्स वगैरह की कैसे इन्वेस्टमेंट करें? हम तो बोलेंगे कि यू गो फॉर एक्सिस। अभी जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं ए फॉर एप्पल, तो मैं तो सोचता हूँ कि अभी जो इंस्टीट्यूट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, वो ऐसे पढ़ेंगे ए फॉर एक्सिस। वी विश यू ऑल द बेस्ट और यहाँ से लेकर वी होप दैट यू अर्न लॉट ऑफ मनी एंड कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स। इन्वेस्टर एजुकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू सुनील शाह, हेड ऑफ रिसर्च एक्सिस सिक्योरिटीज, प्लीज वेलकम सुनील। आपको क्या लगता है अरुण सर कि यहाँ से लेकर इंडिया एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन तो सही है जैसे आपने बताया, लेकिन उसको ग्लोबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो दैट कैन डिरेल द बिग एक्सपेक्टेशन, इफ यू कैन जस्ट बिगिन विद? आप सबको याद होगा कि ब्रेक्सिट के बारे में हम कितना चिंता कर रहे थे, कब ब्रेक्सिट होगा, होगा या नहीं होगा, लीव रहेगा, रिमेन रहेगा, और फाइनली एक दिन ब्रेक्सिट हुआ और आपने देखा मार्केट नीचे गया और मार्केट वापस रिकवर हुआ। और एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, हमारा तो उनके साथ ट्रेड सरप्लस है, तो अलग से हमको टर्म्स एंड कंडीशन बनाना पड़ेगा, ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, वो तो एक बात है, बट एज सच इंडिया के बारे में सोचा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगता कि हमें इतनी चिंता करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, इस तरह से ग्लोबल शॉक्स कुछ कुछ है जो चलते रहेंगे। और श्योर, जैसे सुनील, जैसे अरुण सर ने हाईलाइट किया यहाँ पे लेकर ब्रेक्सिट के बारे में, चाइना कितना बड़ा कंसर्न है? बिकॉज वी हैव सीन अ ट्रेंड इन करेंसी, एक ऐसा ट्रेंड था जहाँ पे ओनली एप्रिसिएशन वॉज सीन, बट यहाँ पे लेकर एक डेप्रिसिएटिंग ट्रेंड है। हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस चाइना थिंग फॉर अस? चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है जी, और फिलहाल जो हो रहा था कि लास्ट 25-30 सालों से उसने जो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ इतनी डेवलप की, तो जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो गया वहाँ की करेंसी कंटिन्यूसली अप्रिशिएट हो रही थी। अब एक सिचुएशन ऐसे आया है कि ग्लोबली डिमांड काफ़ी स्लो है और चाइना में काफ़ी एक्सेस कैपेसिटी है, सो उन्हें ये चाहते हैं कि उनका जो पर्पस है कि अब हम चाइना से ही डिमांड को इनक्रीज़ करें, इसके लिए वो लोग वहाँ पे जो लेबर्स है उनको काफ़ी इंक्रीज सैलरीज और इंक्रीज वेजेस दे रहे हैं। ये सब देने से उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ रही है, राइट? सो अगर वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है और आपको ग्लोबली भी कॉम्पिटिटिव रहना है तो आपको आपकी करेंसी डिप्रिशिएट करनी होगी। तो ये एक जो ट्रेंड था 30 साल से अबाउट अप्रिशिएशन ऑफ करेंसी, अब हम एक ऐसे फेज से पास आउट हो रहे हैं जहाँ पे बिकॉज चाइना की कॉस्ट बढ़ रही है तो वहाँ पे करेंसी डिप्रिशिएट होगी और इसका लाभ काफ़ी काफ़ी इंडियन कंपनीज को होगा, सो वो एक एडवांटेज इंडिया के लिए उभर रहा है। कौन कौन से थ्रेट्स हैं, इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट गोइंग फॉरवर्ड बिफोर वी मूव ऑन टू द अर्निंग्स? US अगेन इज अ बिग सुपर पावर, वहाँ पे जो बिग थ्रेट है वो काफ़ी ग्लोबल लेवल का है इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स या जीरो इंटरेस्ट रेट्स। टुडे $13 trillion, 13 ट्रिलियन का मतलब ऑलमोस्ट अबाउट 6 टाइम्स ऑफ इंडिया, इतना पैसा वर्ल्ड में पड़ा है जो जीरो या नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स पे है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अब वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं, फिर उनकी पॉलिसीज़ कैसे फॉर्मुलेट होगी, सो वो सब सिचुएशंस है जो ग्लोबली हमेशा एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहेगी।
जिसके कारण शायद FIIs का सेलिंग यहाँ पे आए और मार्केट करेक्ट हो, बट इंडियन इन्वेस्टर्स को ये समझना चाहिए कि हमारी जो कंट्री है वो एक आइलैंड है, एक सेपरेट सिचुएशन है, और हमेशा ऐसे करेक्शंस का हमें लाभ उठाना चाहिए। अरुण सर, यहाँ पे ये गवर्नमेंट को लगभग 2.5 इयर्स हो गए हैं, और यहाँ पे लेकर आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को कैसे रैंक करते हैं? 2014 से जब से गवर्नमेंट आई है, तो सबसे बड़ा जो वो चीज़ कर रहे हैं वो एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे बिज़नेस में इन्वेस्ट करना आसान हो, ऐसा प्लेटफॉर्म कि लोगों को मदद मिले। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, जनधन योजना, जिसमें करोड़ों खाते खुले, और आगे भी अभी काफ़ी सच लाइन में है, और उसको उन्होंने आधार के साथ और मोबाइल के साथ जोड़ा जी, तो उसको जैम कहते हैं, JAM, जैम। तो ये देखने में छोटा लगता है, पर ये कितना बड़ा काम हो गया। जब ये खाते खुले थे तो लोग कह रहे थे कौन इसमें पैसा रखेगा, तो अब ये एकदम ह्यूज सक्सेसफुल हो गया। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे शुरू में बिल आए, आपका रियलिटी बिल आया, आपका बाकी आया, और अभी रिसेंटली जो GST हो गया, आई थिंक ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई है, ये तो रिफॉर्म ऑफ द डिकेड होने वाला है। मुझे लगता है कि यहाँ से ये और आगे जाएगा। श्योर, और ये हमारे लिए पॉजिटिव ही होने वाला है। श्योर, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन, वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, लेकिन जब भी हम ब्रेक के बाद आएंगे तभी हम बात करेंगे मार्केट्स की, इकोनॉमी की, और गोइंग फॉरवर्ड ग्रोथ परस्पेक्टिव की। देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक स्पेशल इंटरेक्शन विद अरुण टुकराल साहब एंड और सुनील शाह। सुनील, जैसे हम इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बेटर प्रोस्पेक्ट्स भी आए थे, बट वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है अर्निंग्स पर, बारिंग सम सेक्टर्स जैसे ऑटो हुआ, सीमेंट एंड इंफ्रा, यहाँ पे एक अर्निंग्स अपटिक नहीं देखने मिला है। व्हाट आर द की रीजंस व्हाई, और इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट विद अर्निंग सीजंस, इफ यू कैन जस्ट बिगिन विद। पिछले 2 साल से जो मानसून था वो काफ़ी नेगेटिव रहा है, एकदम सब पार रहा है, और इंडियन इकोनॉमी आज भी अबाउट 70% जो है मानसून पर डिपेंडेंट है। जो इन्वेस्टमेंट साइकिल था, जो कंजम्पशन रूरल से अफेक्ट हुआ, sure, और इन्वेस्टमेंट साइकिल बिकॉज बैंकिंग फंडिंग गॉट स्टॉप्ड, तो दोनों जगह से कॉरपोरेट्स पे इफेक्ट आई। तीसरा जो था वो है कि वर्ल्ड लेवल पे देर इज़ अ मैसिव स्लो डाउन, इतनी लिक्विडिटी पंप करने के बाद भी ग्लोबली ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो जो कंपनीज एक्सपोर्ट डिपेंडेंट थी उन्हें भी काफ़ी इफेक्ट हुआ। GST और एक मानसून का, मानसून इज टर्न आउट टू बी बेटर, और GST का रास्ता भी साफ हो गया है, क्लियर हो गया है। आपको क्या लगता है कि ये इंडियन इकोनॉमी के लिए कौन सा संकेत है? वो एक इफेक्ट होता है जिसको हम लानीना बोलते हैं, जो पहले अलनीनो था जिसमें कि मानसून डेफिशिएंट था, और अभी जो है लानीना जिससे मानसून अच्छा होगा। sure. तो ये एरिया में तो हम अभी कंफर्टेबल आ गए। और जो GST हो गया, जैसे मैंने बोला रिफॉर्म ऑफ द डिकेड, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। पहले कुछ 12 या 13 ऐसे टैक्स थे जो लगते थे, तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स देंगे, बिकॉज टैक्स का में कुछ मैनिपुलेशन नहीं हो सकती, टैक्स बहुत सिंपल हो जाएगा, सिंपल तरीके से लिया जाएगा, तो ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। बट मॉनसून एंड सेक्टर्स अटैच टू इट गोइंग फॉरवर्ड, इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स। कंजम्पशन फॉर एग्जाम्पल, रूरल इंडिया जहाँ पे 70% ऑफ द कंट्री है, उनका अगर कंजम्पशन इम्प्रूव होता है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, टेक्सटाइल से लेके फुटवेयर से लेके हार्डवेयर से लेके कंजम्पशन, हाउसिंग, रूरल रोड्स एक्सेट्रा, इनफैक्ट पेंट कंपनीज, ऑल सच कंपनीज विल बेनिफिट बिग टाइम। एक्सिस डायरेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई द मल्टी बैगर्स। पहले तो मैं ये बता दूँ कि जो मल्टी बैगर होता है वो रातों रात नहीं होता है। बिल्कुल, तो पहले तो ऑब्वियसली एक बहुत स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट होना चाहिए जिसका बहुत क्लियर विजन हो, दूरदृष्टि हो। श्योर। दूसरा, हम देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसा इकोनॉमिक मोट, एक वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे उसका कोई एक ब्रांड है, उसकी कोई एक टेक्नोलॉजी है, उसका कोई एक पेटेंट है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आके उसको नहीं हिला पाता। बिल्कुल, कोई डिस्ट्रप्शन उसको तंग नहीं करती। और दूसरा और एक रीज़न है कि आपको ग्रोथ दूर तक दिखनी चाहिए, आज या कल की ग्रोथ नहीं, दूर तक लॉन्गेविटी, जिसको हम लॉन्गेविटी बोलते हैं, वो ग्रोथ दिखनी चाहिए, वैसा ही ग्रोथ होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात,
आप सही प्राइस पर उसको खरीदें। बट सुनील, मार्केट में सबसे बड़ी मिस्ट्री होती है मल्टी बैगर को आइडेंटिफाई करना, एंड सिंस यू आर हेडिंग द रिसर्च डिपार्टमेंट, हाउ डू यू सिलेक्ट दी स्टॉक्स इंडस्ट्री, इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट देम? पास्ट में जाके कुछ एग्जाम्पल्स देखे कि मल्टी बैगर्स कैसे क्रिएट हुए थे, वो शायद हमें समझने के लिए आसान रहेगा कि आगे जाके कैसे मल्टी बैगर्स हो गए। तो अगर हम एक सेक्टर लें विच इज़ ऑटोमोबाइल पैसेंजर कार्स, मारुति नाम की एक कंपनी आई, जो वो कंपनी थी दैट वॉज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन सुजुकी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सुजुकी ने उन्हें टेक्नोलॉजी दी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी मार्केट अपॉर्चुनिटी दी। जब ये जॉइंट वेंचर हुआ तब जो थे वो सीड्स ऑफ मल्टी बैगर एक्चुअली सो किए गए थे कि मल्टी बैगर वहाँ से बनना शुरू हो गया। सेम थिंग अगर हम दूसरे सेक्टर में देखें कि टू व्हीलर्स में, तो वहाँ पे भी जो सबसे बड़ा मल्टी बैगर हुआ है वो है हीरो होंडा जी। अगेन वो भी एक जॉइंट वेंचर था विथ होंडा एंड हीरो ग्रुप। सो जब ये जॉइंट वेंचर होता है इन द सेक्टर, आपको काफ़ी बड़े मल्टी बैगर्स मिलते हैं जहाँ पे एक पार्टनर जो है वो टेक्नोलॉजी लाता है और दूसरा जो है वो मार्केट अपॉर्चुनिटी लाता है। आज हमें वही सब अप्लाई करना है। इंश्योरेंस में एक बड़े प्लेयर है जिसके पास ऑलमोस्ट 75-78% मार्केट शेयर है, बट काफ़ी जॉइंट वेंचर कंपनीज आ गई है जैसे बजाज, HDFC, ICICI, वो सब प्रॉफिट मेकिंग हो चुकी है। सो इंश्योरेंस इज़ वन। सिमिलरली अदर सेक्टर्स जहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, वो डिफेंस में हो सकता है, वो रेलवेज में हो सकता है। तो आगे जाके हम ऐसे स्टॉक्स ले और उसे इन्वेस्ट करें, होल्ड करें। Sure. और जैसे सर ने बताया कि यू नो इन्वेस्टमेंट्स विल बी फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन यू विल मेक दोज मल्टी बैगर रिटर्न। म्यूचुअल फंड SIP के रूट में बहुत सारा पैसा मार्केट में आ रहा है, आपको क्या लगता है कि ये ट्रेंड विल कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड एज वेल? लास्ट ईयर जब FII पैसा निकाल रहा था तो इंडियन इन्वेस्टर पैसा डाल रहा था, तो अगर ये ट्रेंड ऐसा है और इस साल वापस अभी तक FII ने ज़्यादा डाला है, तो मुझे तो अब ये लगता है कि इतने सारे पॉजिटिव ट्रिगर इंडिया के बारे में हो गए हैं कि अगर ये सब देखा जाए और जैसे रिफॉर्म्स हमारे चल रहे हैं तो अभी तो दोनों जगह से पैसा आने वाला है। Sure. अभी FII से भी पैसा आने वाला है और DII से पैसा आने वाला है। तो आई थिंक आप इस टाइम सही टाइम है आपके लिए भी कि आप अगर इक्विटी में नहीं गए तो इक्विटी के बारे में सोचिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। क्रूड की जो चाल है वो समझ में नहीं आ रही है इनफैक्ट, और यहाँ से लेके स्टेबिलिटी वाइज, और कहा जाता है कि क्रूड फॉल का बहुत सारी कंपनीज को एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, फॉर एग्जांपल ONGC, केन इंडिया। सो हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस? जब कोई सब्स्टिट्यूट आ जाता है तो उस कमोडिटी या उस बिजनेस के प्राइसिंग पावर पर काफ़ी प्रेशर रहता है। क्रूड के लिए वर्ल्ड में जो अदर ऑल्टरनेट है वो है शेल गैस, और ऑन द लो साइड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन वेरियस कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या कॉस्ट है उसके हिसाब से लो एंड डिसाइड होगा। सो इट कुड स्टे इन द रेंज ऑफ 30-70। अब जब मानसून भी अच्छा है और क्रूड भी सॉफ्ट है तो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ स्टोरी के लिए बेस क्रिएट हो रहा है। आपको क्या लगता है कि मार्केट कौन से विल इट टच 50,000 सेंसेक्स? अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, अगर आप निवेशक हैं, तो आप जब भी आपके पास पैसा है आप मार्केट में डालते रहिए, आप एसेट एलोकेशन करके डालिए, आप ओवर लीवरेज मत करिए, तो आपका पैसा बनेगा। इंडियन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी हर साल ग्रो हो रही है, वर्ल्ड जहाँ पे ग्रोथ नहीं है बट इंडियन कंपनीज आर ग्रोइंग। जो रीज़न है कंपनीज के प्रॉफिट का ग्रोथ होने का वो है इंडियाज़ पॉपुलेशन विच इज़ वेरी यंग, सो दैट विल ड्राइव द कंपनीज प्रॉफिट, और उसी के कारण सेंसेक्स में भी काफ़ी पॉजिटिव ट्रैक्शन बिल्ड होता रहेगा। ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। अभी जो GST बिल पास हुआ है उसकी वजह से निफ्टी की वो कौन सी दो कंपनियां जिनको लॉन्ग टर्म पे सबसे ज्यादा फायदा होगा? बिजनेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जाएगा। फैंटास्टिक, दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज विच विल हैपन। सो वो सेक्टर जहां पे अनऑर्गेनाइज्ड ऑलरेडी ज्यादा है, जैसे कि फुटवेयर हो गया, लेदरवेयर, टेक्सटाइल्स, क्लोथ्स, गारमेंट्स, वो लोग जो है वहां पे बिजनेस ऑर्गेनाइज की तरफ ज्यादा चला जाएगा। सो मोर देन निफ्टी स्टॉक्स, मे बी कंपनीज लाइक एन अरविंद मिल जो ब्रांडेड गारमेंट्स में काफ़ी रिटेल में एंट्री कर रहे हैं, कुड बी वन ऑफ द बिग बेनिफिशियरीज आउट ऑफ दिस एंटायर GST। सो दैट इज़ वन ऑफ द स्टॉक्स, आई डोंट थिंक इट्स ए निफ्टी स्टॉक बट दैट इज़ वन विच विल हैव ए बिग अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ GST। श्योर, आपको टेक्निकल व्यू भी दिला देते हैं। अरविंद मिल एक ऐसा स्टॉक है जो कंसिस्टेंसी दिखा रहा है और लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में आप एवरी डिप पे इन्वेस्ट करते रहे, और जैसा मैंने बताया 330-340 एक हर्डल है, वो जैसे ही क्लियर होगा 440-450 लेवल आसानी से देखने को मिलेगा। नो डाउट वी आर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स एंड द म्यूचुअल फंड्स, बट पर्सनली फील शैल नॉट वी इन्वेस्ट थ्रू द म्यूचुअल फंड्स फॉर द इन्वेस्टर्स? इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये बहुत खुशी की बात है,
तो अगर आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना है तो भी आप एक्सिस डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का एक्स अर्निंग्स है या कोई भी आमदनी है वो टेक्निकल एनालिसिस या उसके द्वारा ग्राफ क्रॉस करेगा तो ये इतना ऊपर जाएगा और उससे नीचे जाएगा तो ये और नीचे टूट जाता है। इससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी या फायदे का उसका क्या रिलेशन है? सो देयर इज अ साइंस एंड टेक्निकल एनालिसिस आल्सो इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। और अगर इफ द बाइंग इज ह्यूज, इफ इट क्रॉसेस योर रेजिस्टेंस अलॉन्ग विथ ह्यूज वॉल्यूम्स कि काफी मतलब देयर आर सपोर्ट आल्सो इन द कन्विक्शन, देन यू कैन गो एंड से कि दिस ट्रेंड कुड कंटिन्यू आल्सो। सो देयर इज लॉट ऑफ साइंस इन टू टेक्निकल एनालिसिस, बट प्लीज डू नॉट मिक्स द टू। या एक्चुअली टेक्निकल में अगर हम देखें तो ये एक बिहेवियर दिखाता है, जो भी प्राइस चेंजेस होते हैं मिनट ऑन मिनट बेसिस पे, तो उस बिहेवियर को हम लोग एनालाइज करते हैं बेस्ड ऑन द चार्ट। तो चार्ट में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं जिसपे हमें बिहेवियर दिखता है कि आज दिन भर में किस तरीके की एक्टिविटी हुई पर्टिकुलर स्टॉक में, तो उसको हर डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे हम हर तरीके का व्यू ले सकते हैं। ऐसे स्टॉक भी हैं जिसको टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों से वो स्ट्रांग लगते हैं, तो हम उसको बोलते हैं टेक्नो फंडा। परफेक्ट। तो वो भी एक प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं हमारा एक्सिस डायरेक्ट उसके बारे में बात करता है। तो मेरे लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमारी कंपनी में, ये मेरे टेक्निकल हेड है, ये मेरे फंडामेंटल हेड है, तो ये मेरे दो अनमोल रतन। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, दोनों की अपनी अपनी खूबियाँ। श्योर। तो आज के बड़ौदा शेयर के इन्वेस्टर जो मीट जो हमारी है एक्सिस डायरेक्ट प्रेजेंस राइजिंग इन्वेस्टर के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट थैंक यू सो मच सुनील जुड़ने के लिए हमारे साथ, अरुण सर बहुत बहुत धन्यवाद, राजेश थैंक यू सो मच फॉर यू एज वेल। तो आपने देखा यहाँ पे लेकर हमने बात की मार्केट्स की, इंडिया की एंड गोइंग फॉरवर्ड ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स की। एक्सिस डायरेक्ट के लगभग 10 लाख कस्टमर्स उनके साथ में जुड़े हुए हैं और सालों से वो उनको गाइड करते आ रहे हैं। बी कनेक्टेड विद एक्सिस डायरेक्ट और यहाँ से लेकर आपको इन्वेस्टमेंट में आपको फायदा होगा। किसी और शेयर में आपको मिलेंगे, देखते रहिए जी बिजनेस, आपको फायदा। नमस्कार।